हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं रिस्ट वॉच को लेकर। और आज हम बात करेंगे रिस्ट वॉच में किस तरह से हम अपनी लाइफ में पैसे को, मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपनी रिस्ट वॉच को एक ऐसे ऑस्पिशियस कलर में रखना है। ये ऑस्पिशियस कलर है गोल्ड, गोल्ड कलर में रखना है, गोल्डन कलर में रखना है। देखिए, हमारी जो करेंसी है वो भी कहीं ना कहीं हम गोल्ड से रिलेट करती है। कहते हैं जिस देश के पास जितना सोना होता है उसकी करेंसी भी उसी हिसाब से होती है। तो हमारा जो गोल्ड है या गोल्डन कलर है, ये एक तरह से वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो वेल्थ को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें अपनी रिस्ट वॉच का जो कलर चूज करना है वो गोल्डन कलर करना है। अच्छा, अब बात आती है रिस्ट वॉच में साइज क्या होना चाहिए। आप अपनी रिस्ट वॉच का जो साइज है, आपकी रिस्ट में एक ऐसी रिस्ट वॉच हो जिसका साइज अप्रॉक्स उसका जो डायल केस है 80% आपकी रिस्ट को कवर करता हो, 80% अप्रॉक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम अपनी रिस्ट वॉच का जो शेप है सर्कुलर रख सकते हैं। सर्कुलर शेप रखते हुए हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ जो आउटर एरिया में या रिस्ट वॉच के रिम एरिया में, कोई ऐसा डेंट या कोई ऐसा साइन या सिंबल नहीं आना चाहिए। दूसरा, डायल केस का कलर क्या रख सकते हैं। देखिए, डायल केस का कलर आप वाइट रख सकते हैं, ऑफ वाइट रख सकते हैं, गोल्डन रख सकते हैं। इन ऑस्पिशियस कलर्स को आपने चूज करना है। ये आपकी लाइफ, आपके मन की स्थिति को बताती है, आपके मन के लेवल को बताती है। ये कहीं ना कहीं रिस्ट वॉच का जो डायल केस है, हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे मन की स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी काम को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो वो कितना स्मूथली, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल या विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किस तरह से हम उसे पूरा कर पाते हैं, हमारे मन की स्थिति क्या रहती है, ये डायल केस का कलर, उसकी स्मूथनेस कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं अपनी रिस्ट वॉच में, अपनी रिस्ट वॉच में जो 12 नंबर जो हमें रिप्रेजेंट करता है, उसको हम एक लार्ज साइज में ले सकते हैं, एक गुड शेप में ले सकते हैं। 12 नंबर का आपने ख्याल रखना है अपनी रिस्ट वॉच में, एक अच्छी शेप में, एक अच्छे साइज में और एक अच्छे कलर में। आप गोल्डन कलर में ले सकते हैं, रोज़ गोल्ड में ले सकते हैं, इस तरह के कलर्स में अपना जो 12 नंबर है अपनी रिस्ट वॉच में रख सकते हैं। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है, सेल्फ एस्टीम को दिखाता है, कह सकते हैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट को ये शो करता है। आपके अपने प्रति आप अपने आप को क्या सोचते हैं अपने बारे में, अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तभी तो आप लाइफ में पॉजिटिव कुछ करने की उम्मीद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो 12 नंबर का गोल्डन कलर में होना या रोज गोल्ड कलर में होना, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, रिस्ट वॉच में आप डैशेस रख सकते हैं, और ध्यान रखिए अगर आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो डैशेस आपके रेक्टेंगुलर शेप में चारों तरफ से क्लोज्ड डैशेस होने चाहिए। देखिए, ध्यान रखिए, ओपन नहीं होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए। ये आपके एक तरह के ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, आप किस तरह को पैसे को कितनी कदर करेंगे, जो आप कमाते हैं उसको इसमें कितना इन्वेस्ट, कितना बचाना चाहेंगे। चारों तरफ से कह सकते हैं अपने जो डैशेस हैं जो आपने चूज किए अपने रिस्ट वॉच में, वो चारों तरफ से क्लोज्ड होने चाहिए। हो सकता है आपके डैशेस जो हैं कहीं से ओपन हो, तो ये ओपन नहीं होने चाहिए। चेक कीजिए आपके रिस्ट वॉच में जो डैशेस हैं क्लोज होने चाहिए। तो ये आपके स्टोर ऑफ वेल्थ को दिखाता है, आपकी मनी सेविंग हैबिट को दिखाता है, आपके मन की स्थिति को दिखाता है, आपके ह्यूमन बिहेवियर को दिखाता है पैसे को लेकर, कि क्या आप में वो सोच है कि पैसे को इन्वेस्ट करना या कह सकते हैं कि सेव करने की जो एक ह्यूमन बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करता है।
देखिए यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में आप गोल्डन डैश ले सकते हैं, टोटल गोल्डन डैश, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, रिस्ट वॉच में हम किस तरह के हैंड्स का चुनाव कर सकते हैं। रिस्ट वॉच में आप कोशिश करें आपके जो हैंड्स हैं वो भी गोल्डन हो, एक अच्छी शेप में और एक अच्छी लेंथ में। खासकर आप ख्याल रखिए मिनट हैंड जो है आपके डिजिट्स, आपके डैशेस या आपके डॉट्स को अप्रॉक्स 50% तक कवर करता हो। इट मीन्स आपका जो मिनट हैंड की जो लेंथ है, उसकी जो टिप है, वो आपके जो डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं या डैशेस हैं या डॉट्स हैं, जो भी आपने चूज किए हैं, वो उसके 50% तक उसको, उसकी जो टिप है, कवर करती हो। ऐसा ना हो कि रिस्ट वॉच में जो हैंड्स हैं, मिनट हैंड खासकर, वो आपके डिजिट को टच ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टच करना ज़रूरी है, टच करके थोड़ा सा आगे निकल जाए, इट मीन्स अप्रॉक्स 50% तक आपके नंबर्स, डिजिट्स, डैशेस और डॉट्स को कवर कर ली, ये अच्छा है। तो यहाँ पर आ जाता है गोल्डन हैंड्स। आगे चलते हैं, और आप अपनी रिस्ट वॉच में क्या रख सकते हैं। देखिए रिस्ट वॉच में हम अपनी टोटल गोल्डन रिस्ट वॉच रख सकते हैं। गोल्डन कलर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, सन को रिप्रेजेंट करता है, सन एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, कह सकते हैं हमारी लाइफ में यश, कीर्ति, मान सम्मान को दिखाता है, और जुपिटर जो है प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ये चीज़ें तो आपने ले ली अपनी रिस्ट वॉच में, और हमें क्या ख्याल रखना है। ये तो हमने देखा कि किस तरह से मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमें देखना है थ्री नंबर, जो कि जुपिटर का नंबर है। थ्री नंबर के आगे आप डे डेट कैलेंडर रख सकते हैं, एक पॉजिटिव क्रोनोग्राफ रख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, थ्री नंबर कहीं से भी कट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से कट होता है या किसी रीज़न से डिस्टर्ब होता है तो ये नेगेटिव साइन है, इस तरह का नंबर या डैश या डॉट आप ना लें। दूसरी बात, थ्री नंबर के आगे आप एक पॉजिटिव क्रोनोग्राफ रख सकते हैं, कैलेंडर रख सकते हैं, डे डेट जिसमें शो होती है, ये थ्री नंबर की पावर को इंटेंसिफाई करता हुआ नज़र आता है, फोकस करता हुआ नज़र आता है। और जो थ्री नंबर है ये जुपिटर का नंबर है, क्रोनोग्राफ अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स को शो करता है, अगर पॉजिटिव है तो। अगर किसी रीज़न से नेगेटिव हो रहा है, कोई ऐसा साइन सिंबल जो दिखाता है कि आपका जो क्रोनोग्राफ है रिस्ट वॉच में वो कोई नेगेटिव साइन सिंबल के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस को भी शो करता है। तो कोशिश करें अपनी रिस्ट वॉच में थ्री नंबर के आगे एक पॉजिटिव क्रोनोग्राफ लें, डे डेट कैलेंडर लें। और हम क्या देख सकते हैं, देखिए फोर नंबर के आगे आप डेट कैलेंडर भी रख सकते हैं। अगर थ्री नंबर के आगे आप नहीं लेते हैं, अगर वहाँ पर आपको ऐसी रिस्ट वॉच नहीं मिलती है, तो फोर नंबर के आगे रख सकते हैं। फोर नंबर राहु का है, यहाँ पर एक कह सकते हैं मैनेजमेंट स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है कि इंसान किस तरह से प्लान करता होगा, तो एक मार्केटिंग स्किल्स को भी दिखाता है। देखिए आज के टाइम में जिसके जितनी अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है, ऐसा इंसान अर्न करने के चांसेस ऐसे इंसान के बढ़ते हैं। तो फोर नंबर के आगे रिस्ट वॉच में आप डेट कैलेंडर रख सकते हैं, जो कि फोर नंबर राहु की एनर्जी को कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई करता है। डिपेंड करता है कि इसके आगे पीछे कहीं पर भी नेगेटिव साइन सिंबल्स नहीं होने चाहिए, कोई डेंट या कोई कट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखिए फाइव नंबर के अगर आगे आप लेते हैं डेट कैलेंडर, तो ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो अगर कोई क्रोनोग्राफ बना हो फाइव नंबर या फोर नंबर के ऊपर, ये कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग स्किल्स को भी, एक अच्छे कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ मैं इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में आपके पास चाहे जितनी मर्जी नॉलेज है, जब तक आप उसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कह सकते हैं आप ठीक से मार्केट नहीं करेंगे, तो आपके अर्न करने के चांस, मनी को अर्न करने के चांस कम रह जाते हैं। तो मार्केटिंग स्किल्स का होना, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद ज़रूरी है। आप मनी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हैं,
लेकिन ध्यान रखिए, रिस्ट वॉच को आप पहनकर सिर्फ बैठ जाएं और सोचें कि धन की वर्षा होने लगेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको एफर्ट्स तो अपनी तरफ से करने होंगे, एफर्ट्स करने होंगे, और जितनी आप में इंटेलिजेंस है, जितनी आप में इंटेलिजेंस है, उसको तो आपको सामने लेकर आना पड़ेगा। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, या कह सकते हैं अपने वर्क में, जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको वो वे सोचना होगा कि किस तरह से मैं अपनी अर्निंग, जो अर्निंग कैपेबिलिटी है, उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, पोटेंशियल को मैं बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए चाहे आपको लर्निंग करनी पड़े, चाहे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से लेकर से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने पड़े, चाहे बुक्स स्टडी करनी पड़े, आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं मनी को, बेशक आप एक पॉजिटिव साइन सिंबल्स रिस्ट वॉच में रख सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे एस्पेक्ट्स को भी ध्यान देना है, अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है, अपने एफर्ट्स पर भी ध्यान देना है। विदाउट एफर्ट्स कभी भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। एक्चुअल में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट तब होती है जब आप उस और कदम बढ़ाते हैं, आप अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करना, चाहे वो थ्रू इंटरनेट हो, थ्रू बुक्स हो, या कहीं से भी, कैसे भी, आपको अपनी एजुकेशन को, या कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको अपनी लर्निंग को, फाइनेंशियल एजुकेशन को किस तरह से इंक्रीज करना है, ये आपको देखना है। कैसे आप मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसा आप पैसा कमा सकते हैं, आपने उस और फोकस करना है। ठीक है, रिस्ट वॉच में आपने वो नंबर्स लिए, 4 नंबर लिए, 5 नंबर लिए, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस को जो शो करते हैं, कहीं ना कहीं लर्निंग को शो करते हैं 3 नंबर के आगे, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आपके अंदर एक्चुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस तब जागेगा जब आप खुद से सोच पाएंगे कि हाँ, मैं एफर्ट्स करता हूँ, हाँ, मैं अपना 100% 200% अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में फोकस करता हूँ, देता हूँ, तभी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपने रिस्ट वॉच में पॉजिटिव साइन सिंबल्स लिए, लेकिन काम करना भी, उस तरफ कदम बढ़ाना भी इंसान के अपने हाथ में है। सिर्फ रिस्ट वॉच पहन कर बैठ जाने से कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव साइन सिंबल्स के साथ इंसान अगर एफर्ट्स करे, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करे, तो ज़रूर अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कुछ और रिस्ट वॉच को लेकर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।